हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ अबाउट द अपकमिंग मारुति सुजुकी जिम्नी। सुजुकी जिम्नी एक बहुत ही पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी है इन द ग्लोबल मार्केट्स। अभी फिलहाल जिम्नी अपनी फोर्थ जनरेशन अवतार में है एंड इसे ग्लोबल मार्केट्स में मिड 2018 में लॉन्च किया गया था। सो मारुति सुजुकी ने इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करने की कोई प्लान बताई नहीं थी। हालाँकि इस साल फरवरी में ऑटो एक्सपो में इसे दिखाया गया था एंड काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स मिली थी। फिर भी कंपनी ने कहा कि हम थ्री डोर जिम्नी को इंडिया में लॉन्च नहीं करेंगे, इंस्टेड वी विल मेक अ फाइव डोर जिम्नी एंड उसे इंडिया में लॉन्च किया जाएगा बाय द एंड ऑफ 2021 और 2022। ये पहले की रिपोर्ट थी बट अब काफ़ी कुछ चेंज हो गया है एंड रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम एवर थ्री डोर जिम्नी को इंडियन रोड्स पर टेस्ट होते पाया गया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सुजुकी जिम्नी के बारे में हर एक चीज़ बताने वाला हूँ, इसके स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, देखने में कैसी है एंड इसकी इंडिया लॉन्च किस हिसाब से होगी एंड कौन सी वाली होगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी के लुक्स के साथ। आप जानते ही हैं ये एक ओल्ड स्कूल एसयूवी है, आपको देखने में काफ़ी बॉक्सी लुक मिलता है, इसमें कोई भी फैंसी एलिमेंट्स नहीं है बट ओवरऑल देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। आपको फ्रंट में राउंड हेडलैम्प्स मिलते हैं विद राउंड इंडिकेटर्स, जो इसका बम्पर है, स्किड प्लेट है, देखने में काफ़ी अच्छा है एंड साथ ही आपको एक काफ़ी अच्छी ग्रिल मिलती है जिसमें आपको फाइव स्लैट डिज़ाइन मिलता है। साइड से देखेंगे तो काफ़ी बॉक्सी डिज़ाइन है, आपको बट 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। रियर भी अगेन बॉक्सी लुक है बट पीछे आपको एक व्हील रखने वाला डिज़ाइन मिलता है जो कि मेरे हिसाब में काफ़ी अच्छी है एंड एसयूवी में काफ़ी अच्छी दिखती है। अगर हम बात करें इंजन के बारे में तो आपको इस गाड़ी में सिर्फ एक ही इंजन मिलेगा जो कि होगा पेट्रोल इंजन। इसमें आपको वही सेम 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि आपको मारुति की काफ़ी सारी कार्स में देखने को मिलती है। ये एक BSS कंप्लाइंट इंजन होगा जो 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है एंड ये चर्न करेगा नियरली 105 PS ऑफ पावर विथ 138 Nm ऑफ टॉर्क। इसमें आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स एंड 4 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं कहता हूँ ये ट्रू कॉम्पैक्ट SUV है सो आपको इसमें 4-wheel ड्राइव सिस्टम मिलेगा। सुजुकी इसे कहती है ऑल ग्रिप प्रो 4-wheel ड्राइव सिस्टम एंड ये एक पार्ट टाइम 4-wheel ड्राइव सिस्टम है। साथ ही आपको इस गाड़ी की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी मिलेगी क्योंकि ये जो बनाई गई है इस तरह से कि ये ऑफ रोड को आसानी से टैकल कर सके। आपको इस गाड़ी में 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अगर मैं ऑफ रोड क्रेडेंशियल्स की बात करूँ तो आपको इस गाड़ी में 37 डिग्री का अप्रोच एंगल, 49 डिग्री का डिपार्चर एंगल एंड 28 डिग्री का ब्रेक ओवर एंगल मिलता है। डायमेंशन की बात करूँ, क्योंकि जो थ्री डोर जिम्नी है वो अपनी कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर की वजह से जानी जाती है तो इस गाड़ी की लेंथ मात्र 3645 mm है, इसकी जो विथ है 1645 mm है एंड जो हाइट है वो है 1720 mm। आपको इस गाड़ी में 2250 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है। तो ये तो क्या गाड़ी की बात, फीचर्स की बात करें तो काफ़ी फीचर लोडेड ही नहीं होगी क्योंकि एक ट्रू SUV है बट आपको इसमें एक टच स्क्रीन देखने को मिलेगा जो कि सुजुकी का स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा एंड आपको एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। अगर मैं इंडिया लॉन्च प्लान की बात करूँ तो सबसे पहले मारुति ने कहा था कि हम इंडिया में थ्री डोर लॉन्च नहीं करेंगे, हम फाइव डोर लॉन्च करेंगे बाय 2021 और 2022। हालांकि कंपनी के एक ऑफिशियल ने रिसेंटली बिजनेस स्टैंडर्ड को इंटरव्यू दिया एंड उसमें कंपनी ने कहा कि हम फाइव डोर जिम्नी इंडिया में 2023 में लॉन्च करेंगे। अब ये कितना सच होगा उसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है बट मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि महिंद्रा थार जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है वो भी अपनी थ्री डोर अवतार में है, फाइव डोर बाद में आएगी। सो मे बी महिंद्रा थार की बहुत अच्छी रेस्पॉन्स देखिए मारुति सुजुकी का मन बदल गया हो एंड मे बी कंपनी थ्री डोर वर्जन जिम्नी पहले इंडिया में लॉन्च कर दे बाय नेक्स्ट ईयर एंड जो फाइव डोर वर्जन है वो मे बी 2023 में आए। ये मेरे थॉट्स हैं, इसके ऊपर अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। अभी रिसेंटली टेस्ट करते हुए पाया गया सो मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है या मे बी कंपनी इस गाड़ी को एक्सपोर्ट करेगी दूसरे मार्केट्स में सो उसके लिए भी टेस्ट किया जा सकता है। अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं है बट यही था सुजुकी जिम्नी के बारे में सभी कुछ। क्या आप चाहते हैं मारुति सुजुकी इंडिया में ये जिम्नी लॉन्च करे? आपको थ्री डोर जिम्नी पसंद है या आप फाइव डोर जिम्नी पसंद करेंगे जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी बट उसकी ऑफ रोड क्रेडेंशियल्स उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कि थ्री डोर जिम्नी की है बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर। अगर मैं प्राइस एक्सपेक्टेशन की बात करूँ तो जिम्नी की एक्सपेक्टेड प्राइस इंडिया में होगी बिटवीन 10-12 lakhs एक्स शोरूम दिल्ली। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने थॉट्स कमेंट जरूर से कीजिएगा। ऑल्सो अगर आपको यही सेम चीज़ इंग्लिश में आर्टिकल पढ़ना है तो आपको नीचे एक लिंक मिल जाएगा, आप उसे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू योर डियर फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.